ए वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब पिला फटाफट जॉइन करिजिबे तापर हमें क्लास स्टार्ट करिबा। आज प्रश्न आसुच्छे सर आज आप कौन पढ़े मुझे बेस किसी आज पढ़ेबी ना ओनली मुझे कौन करी ना कि रिविजन करेबी। सर आप रिविजन कौन करेंगे जमती कि आपण मान स्क्रीन उपर देखा जामें एकाउंटिंग तीनटा चैप्टर भल भाव कम्प्लीट कर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ये सर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस कम्प्लीट करे जोटि तापर आम कौन करवा ना आपणकर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट आम कौन करवा ना प्रति चैप्टर सरला जहाँ तो मुझे क्लास रे एग्जांपल करेबी करेबी क्वेश्चन करेबी करेबी आम किसी क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करवा जोटा को आमको कहुजी क्वेश्चन एंड आंसर सेसन। कौन कह सर क्वेश्चन एंड आंसर सेसन कमें जर्नाल जहाँ जहाँ पढ़ीचे जर्नाल जहाँ जहाँ पढ़ीचे आज पर्यंत जर्नाल आम जहाँ जहाँ पढ़ीचे से ही क्वेश्चन उपरे माने से ही कॉन्सेप्ट उपरे आम किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा एमिति किसी कॉन्सेप्ट अच्छी जो गुड़िक आपको जना जाएनी बा आपण को क्लास रे डिस्कशन हैनी तो से कॉन्सेप्ट गुड़िक मध्ये नबा एवं बहुत बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पई जहाँ क्वेश्चन आवश्यक से भलिया क्वेश्चन आम किसी सॉल्व करिबा तो डेरी नक सब पिला जॉइन हो सारे आम कौन करवा ना आज किसी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा। ओके जमती कि सब पे देखिपुट क्वेश्चन नंबर वन अच्छी पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। आपण मानक मुझ गोटे जर्नल एंट्री प्रोफोमा काटिदेवी बाकी जर्नल एंट्री मुझ प्रोफोमा काटबी ना कारण मुझे रेगुलर क्लास रे प्रोफोमा तुमको शिखे सारी तो प्रोफोमा बेसी टाइम नबानी मुझे केवल जर्नल एंट्री आपण मानक शिखेबी हालांकि प्रोफोमा फिर भी मुझे आउ थे डकई दौर येस दिस इज योर जर्नल एंट्री। आपण फर्स्ट कलम थी डेट आप फुल लिखे सेकेंड कलम थी पर्टिकुलर ये गोटे लेजर फोलियो कलम आसूला एलएफ तापर आसूला डेबिट अमाउंट तापर आसूला क्रेडिट अमाउंट मन पड़ू ये सर मन पड़ू डेट और आम कौन लिखुले ना सर आप लिखुले सीरीयल नंबर जदि आप मन थी डेट और सीरीयल नंबर एवं आपण को कही जदि ये डेट लिखार अच्छी जदि 2021 मसीहा आम लिखा 2021 अक्टोबर मस हो ते लिखा अक्टोबर तापर अक्टोबर 10 कि 12 कि 14 एमती आम लेखि लेखिकी जीवा। ये सर ये कॉन्सेप्ट सब आम गोटे गोटे मन अच्छे आपण केवल गोटे गोटे जर्नल एंट्री बुझे दिंतु। यस प्रथम क्वेश्चन कही है स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000 बिल्डिंग 1,00,000 एंड मेसीन 25,000। जदि आपण मानक मन थी मुझे भल भाव क्लास पढ़ेली जितेबले ट्रीटमेंट अफ कमेंसमेंट अफ बिजनेस आम जर्नल एंट्री पढ़ी कौन मुझे लिखेली ऑल आसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू ऑल लायबिलिटी अकाउंट। ये सर मन अच्छे जिते जिते इंडिविजुअल आसेट अकाउंट आसो सब आम डेबिट करवा आसूँ कैश अकाउंट डेबिट तमें प्रथम अकाउंट आसला कैश अकाउंट डेबिट केते टंका ना सर 50,000 रुपीज तापर आसूँ बिल्डिंग। सर बिल्डिंग गोटे कौन आसेट ये सर बिल्डिंग गोटे टांजिबुल आसेट हालांकि पिला मत कहले सर बिल्डिंग आसेट नुह बिल्डिंग हूँ टांजिबुल आसेट वेरी वेरी गुड। सर मेसीनरी कौन पिला कहले सर मेसीनरी गोटे कौन ना सर टांजिबुल आसेट मन पड़ू एवं आपण को कही डेबिट आउ क्रेडिट को लिखि सर कौन कही ना सर डेबिट जदि एक्सीड होदी आपणकर मन थी मुझे यह कही ऑल आसेट अकाउंट डेबिट ऑल आसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट एवं कही जदि आपणकर कौन हम आसेट रे अधिका आसूची लेट सपोज आसेट रे आसूची 1,00,000 रुपीज किंतु लायबिलिटी रे आसूची ओनली 80,000 रुपीज आमे पढ़ीचे डबल एंट्री प्रिंसिपल अनुसार कौन हम ना सर डेबिट रो अमाउंट इज इक्वल टू क्रेडिट रो अमाउंट।
सबु पिला मन रखिबे जदि डेबिट अमाउंट एक्सीड करूची ताहाले आमे क्रेडिट रे लिखिबा टू कैपिटल अकाउंट 20,000। मन रहिबो? यस सर मन रहिबो। सर जदि इटा रिवर्स केस हेइ थांता, मु कहली रिवर्स केस माने ना सर असेट अकाउंट डेबिट हेइ थांता, असेट अकाउंट डेबिटेड हेइ थांता 80,000 टू लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिटेड हेइ थांता सबु लायबिलिटी मिसिकी 1,00,000 रुपीज। इंडिविजुअल असेट अकाउंट सब मिसिकी हेइ थांता 80,000 एवं लायबिलिटी हेइ थांता 1,00,000, ताहले सर आमे कौन लिखि थांते माय डियर फ्रेंड्स अमाउंट कोटी सर्टेज होउची ना सर डेबिट रे सर्टेज होउची। काही की ना सर आपण कहितिले डेबिट अमाउंट जति के हबो क्रेडिट अमाउंट सेति के हबो। ए केस रे आमे ये बैलेंसिंग फिगर को कौन लिखुतिले ना सर कैश अकाउंट डेबिटेड। मने पड़ुछ? यस। ताहले सर कॉन्सेप्ट कौन? कॉन्सेप्ट होउची जेते बेले आपण ओपनिंग एंट्री लिखुथिबे, ओपनिंग एंट्री लिखुथिबे, ओपनिंग एंट्री मने पड़ुछ जदि डेबिट मोर देन क्रेडिट, जदि डेबिट मोर देन क्रेडिट सर आपण क्लियरली नोट लिखे दियंतु। वेरी गुड, मु ताहले क्लियरली नोट लिखौछि। यस, कॉन्सेप्ट होउची कौन ना सर ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कॉन्सेप्ट रे आपण कहिथिले जदि डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, आउ गोटे केस आसिबो क्रेडिट इज मोर देन डेबिट। जदि डेबिट क्रेडिट ठारु अधिका होउची ताहले बैलेंसिंग फिगर को आमे कहिबा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट विल बी कौन है जीवो ना सर बैलेंसिंग फिगर। जदि क्रेडिट डेबिट ठारु अधिका आसुची ताहले बैलेंसिंग फिगर को अकाउंट को ट्रांसफर होबो ना सर कैश अकाउंट को। बुझियला? ये सर बुझियला, आमर मन रहिबो। एथर आमे बुझी पारलु ए एंट्री रे आमे कोटी फुल करितलु। ओ सबु पिला कहिले सर आमे बुझी पार नथिलु क्रेडिट रे कोन रहिबो। मु कहिली सबु पिला माने क्रेडिट रे लेखिबे, क्रेडिट रे लायबिलिटी लेखा जाय, ऑल असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। किंतु लायबिलिटी नाही ता माने मु कहि परिबी लायबिलिटी अछि जीरो। जदि लायबिलिटी किछि नाही मु कहि परिबी लायबिलिटी अछि जीरो। सबु पिला कहिले यस सर, परफेक्ट सर। जदि लायबिलिटी किछि नाही आमे कहिबा लायबिलिटी जीरो। ताहले सर जेतिक बैलेंस फिगर आसिबो आमे को अकाउंट को ट्रांसफर करिबा। पिला कहिले सर जहाँ भी बैलेंस फिगर आसिबो आमे कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करिबा। अरे बाबा बुझी हेला कि बुझी हेलानी? यस सर बुझी हेला। ताहले सबु पिला माने मिसे देबे 1,75,000। सर नैरेशन कौन लिखिबो? वेरी गुड क्वेश्चन। बिंग कॉमन्समेंट ऑफ बिजनेस, कॉमन्समेंट ऑफ बिजनेस विथ असेट्स, विथ असेट्स एंड लायबिलिटी। हालांकि ये लायबिलिटी नहीं किंतु आपण नैरेशन रे लिखिबे बिंग कॉमन्समेंट ऑफ बिजनेस विथ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बुझी हबो? अरे बुझी हबो कि बुझी हबनी? यस सर बुझी हबो, यस सर बुझी हबो, यस सर बुझी हबो। ताहले दुई नंबर एंट्री रे कहूची स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए लोन, स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए लोन ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम मिस्टर अनुप। मु आपन को पढ़े थी जदि मु लोन आनिली मो पाखरे कौन हबो ना सर कैश बैलेंस बढ़िबो। कैश होउची डेबिट बैलेंस, कैश बढ़िले कौन हबो ना सर कैश अकाउंट को आपन डेबिट करंतु। काहेकि ना आपण लोन आनिले आपण पाखरे कैश बढ़िला। वेरी गुड, 50,000। कहा पाखरु मु लोन आनिली ना अनुप पाखरु लोन आनिली। जदि बैंक लोन आनिथिबि कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन, जदि रामटारु लोन आनिथिबि राम कैश अकाउंट डेबिटेड टू रामो राम्स लोन अकाउंट, जदि अनुप ठारु आनिछि कैश अकाउंट डेबिटेड टू अनुप लोन अकाउंट। अरे बाबा हबो कि नाही? यस सर बुझिएला, यस सर बुझिएला। बिंग लोन टेकन फ्रॉम अनुप, बिंग लोन टेकन फ्रॉम अनुप। तृतीय नंबर जर्नल एंट्री के आसिबे परचेज गुड्स वर्थ 10,000 इन कैश। से कहूँ मु कैश रे किणुची एवं हरी ठारु किणुची।
ତାହେଲେ ଏଇଟା କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନା କ୍ରେଡିଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍? ସବୁ ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, କାହିଁକି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ସେ କ୍ୟାଶରେ କିଣିଛି। ତାହେଲେ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି କହିବେ, ପିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖନ୍ତୁ ପର୍ଚେଜ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଟୁ କ୍ୟାଶ ଏକାଉଣ୍ଟ। ଏଇଟା ସହଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ପର୍ଚେଜ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଟୁ କ୍ୟାଶ ଏକାଉଣ୍ଟ 10,000। ବିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ସ ପର୍ଚେଜ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାଶ, ନ୍ୟାରେସନ୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ବିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ସ ପର୍ଚେଜ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାଶ, ୟେସ୍। ତାପରେ ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କହିଛି, ପର୍ଚେଜ୍ ଗୁଡ୍ସ ୱର୍ଥ 50,000 ଫ୍ରମ୍ ରାମ, ମୁଁ ରାମ ଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିଲି। ସବୁ ପିଲା କହିବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅର୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍? ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିନି ଏଇଟା କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ଆମର ମନେ ଅଛି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କହିନଥିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକର ନାଁ ଦେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ସାର୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଆପଣ ରୁଲ୍ ଆମକୁ ବତେଇଥିଲେ ପର୍ଚେଜ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଟୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟର୍, ପର୍ଚେଜ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ 4 ନମ୍ବର ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଟୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟର୍, ଏଠି କ୍ରେଡ଼ିଟର୍ ନାଁ ହେଉଛି ରାମ ଏକାଉଣ୍ଟ। ସାର୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଆସିବ ନା, ସାର୍ 50,000 ରୁପିଜ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଡେବିଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ 50,000, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ବି ଲେଖନ୍ତୁ 50,000। ବୁଝିହେଲା? ଆରେ ବାବା ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି? ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା। ବିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ସ ପର୍ଚେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାମ ଇନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍, ବିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ସ ପର୍ଚେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାମ, ବିଙ୍ଗ ଗୁଡ୍ସ ପର୍ଚେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାମ ହବ। ଆରେ ବାବା ହବ କି ନାହିଁ? ଆରେ ବାବା ହବ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍ ହବ। ତାପରେ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରୁପିଜ୍ 30,000 ଇନ୍ କ୍ୟାଶ୍ କଷ୍ଟିଂ 20,000, ଏ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିବେ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ଯାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 20,000 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି 30,000 ଟଙ୍କାରେ। 5 ନମ୍ବର ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ପଢ଼ାଉଛି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଫଟାଫଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯିବେ। ସେଲ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମର ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛୁ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେଲ୍ ଅଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରୁପିଜ୍ 30,000, ସବୁ ପିଲାମାନେ କହିବେ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 20,000, ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି 30,000 ଟଙ୍କାରେ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ କ୍ୟାଶ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ? ନା ସାର୍, କ୍ୟାଶ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ କ୍ୟାଶ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିକିଲି କ୍ୟାଶ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ ହେବ 5 ନମ୍ବର ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍ 30,000 କ୍ୟାଶ୍ ଆସିବ। କ୍ୟାଶ୍ ହେଉଛି ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ, ସେଲ୍ କଲେ ମୁଁ କ୍ୟାଶ୍ ରିସିଭ୍ କଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାଶ୍ ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଡେବିଟ୍ ହେବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ। ସାର୍ ଆପଣ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆସେଟ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଆସେଟ୍ ସାର୍ ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲ୍ଡିଂ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲା, ୟାନି ଡେବିଟ୍ କମିଗଲା, ତାହେଲେ ଡେବିଟ୍ କମିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ହେବ ନା, କ୍ୟାଶ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଆସେଟ୍କୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ଏକାଉଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ସବୁ ପିଲା ମୋତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ବିଲ୍ଡିଂ ମୋ ପାଖରୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗଲା, ନା ସାର୍ ବିଲ୍ଡିଂର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା 20,000। ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭେରି ଗୁଡ଼, 20,000 ଟଙ୍କାର ମୋ ପାଖରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ 30,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଦେଲି, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ନା ସାର୍, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ୟାଶ୍ ଆସିବ 30,000। କ୍ୟାଶ୍ ହେଉଛି ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଶ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ କ୍ୟାଶ୍ ବଢ଼ିବ, ୟାନି ଡେବିଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଡେବିଟ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାଶ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଡେବିଟ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସାର୍ ବିଲ୍ଡିଂର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି, ୟାନି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ ଡେବିଟ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ ଟୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି କେତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମିବ ନା, ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର କଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିବି ସେତିକି ଟଙ୍କାର ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା, ସାର୍ ବିଲ୍ଡିଂ କମିଗଲା। ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ସାର୍, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍, ଡେବିଟ୍ରେ ହେଉଛି 30,000, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ଆସୁଛି 20,000। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍, ତାହେଲେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ଆଉ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ କହିଲି ଭେରି ଗୁଡ଼, ତାହେଲେ ସାର୍ 10,000 ଟଙ୍କା କେଉଁ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବ? ଭେରି ଗୁଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍,
मन पकाओ ए कनसेप्ट मु बहुत थर आप सहित करी 20,000 टंका को आपण 30,000 टंका रे बिक्री करी देले सबु पिला मते रिप्लाई देबे लाभ होला कि लॉस होला। अरे बाबा सबु पिला मते रिप्लाई देबे लाभ होला कि लॉस होला। राइट आंसर इज सर सेलिंग प्राइस होउची बडो कॉस्ट प्राइस होउची सानो ताहेले आमे कहिबा प्रॉफिट होला। सर एहार माने कोन एया मु कहली कोन ना सर प्रॉफिट हेले ताहार बैलेंस पीएल अकाउंट को ट्रांसफर हुए तो ए अमाउंट कोठी की ट्रांसफर हम ना सर पीएल अकाउंट को ट्रांसफर हम। अरे बाबा बुझीला कि बुझीलानी ये सर बुझीला सब पिला माने रिप्लाई देबे मु करी छे रिप्लाई को अपेक्षा एहा पर हमें प्रोसीड करबा डन रिप्लाई आसी गला डन 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 यस ओके वेरी गुड। सर हमें नैरेसन कौन लिखिबु बीइंग एसेट सोल्ड। सर हमें नैरेसन कौन लिखिबु ना सर बीइंग एसेट सोल्ड हबो बीइंग एसेट सोल्ड बीइंग एसेट सोल्ड। सर आपण नैरेसन लिखिबे नी ना बाबा ना मु नैरेसन लिखिबि नाही नैरेसन आपण माने लिखिबे ओके। नेक्स्ट जर्नल एंट्री सर आपण करंतु एबे हमें 6 नंबर जर्नल एंट्री करिबा रिटर्न ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर वाई वेरी वेरी गुड। रिटर्न ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर वाई ए कथा मु बहुत थोर पढ़ी एठी फिर भी मु पिला मानन को कांसेप्ट बुझेबी टिके ध्यान देबे जदि मु पढ़ी तो ठीक अछि जदि न पढ़ी आपन को नोट्स खाता रे आपन रूल लिखिबे यस लिखिबे रूल नंबर जहाँ भी आपन को रूल नंबर हेथिबो रूल नंबर लिखिबे डैश जदि मु पढ़ी ओके न पढ़ी भी ताहले आउ थरे लिखि नेबे ट्रीटमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स 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 सब पिला माने लिखिबे ये रिटर्न ऑफ गुड्स जनरली दी प्रकार ही थाए। सर कौन वेरी गुड क्वेश्चन मु कहली सर गोटे हूँ परचेज रिटर्न आउ गोटे हूँ सेल्स रिटर्न गोटे हूँ परचेज रिटर्न आउ गोटे हूँ सेल्स रिटर्न सब पिला माने ध्यान से बुझे जदि किणा जाइथिबा जिनस को आम रिटर्न करूचे जदि परचेज करा जाइथिबा जिनस को आम रिटर्न करूचे ताहले आम कहिबा परचेज रिटर्न एंड द रीजन इज कौन हो पारे जदि मु बैड क्वालिटी जिनस मो हाबुड़े पड़गला और मुझे कही तू ब्रांड ए रडक्ट दबू सी कितु ब्रांड सी रडक्ट देदेजी भी मुझे गुड्स रिटर्न करदेवि मुझे कही ह्वैट कलर ड्रेस पठेबु बट सी कौन कर ब्लाक कलर ड्रेस पठेजी ताने मुहबा अनुसार मो सप्लायर मत सप्लाय करनी ताल भी से कौन करदेवि ना सर गुड्स को रिटर्न करदेवि। सबु पिला मन रखिबे परचेज करा जाइथिबा जिनस को जदि हमें रिटर्न करूचे ताहले ताकु हमें कहिबा परचेज रिटर्न बुझीला यस सर बुझीला। एवं मन रखिबे ये रिटर्न टा कौन हुए ना सर बिजनेस रु फेरा जाए मु आउ थरे बुझिबे बिजनेस को परचेज करथिली एक्स थारो मु परचेज करथिली एबे जिनस खराब पड़ला मु कहा को फेरेबी ना सर भेंडर को फेरेबी ता माने बिजनेस रु जिनिस फेरा हो ता माने आकु कहा जाए रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कौन कहा जाए ना सर रिटर्न आउटवर्ड कहीं ना बिजनेस रु पदा को फेरा जाए हबो। सर परचेज आपण कहिथिले डेबिट बैलेंस ताहले परचेज रिटर्न कौन हबो मन रखिबे परचेज रिटर्न हबो क्रेडिट बैलेंस जदि परचेज होउची डेबिट बैलेंस परचेज रिटर्न हम कौन ना सर क्रेडिट बैलेंस सब पिला माने मन रखिबे परचेज रिटर्न कौन करिबो ना रिड्यूस अमाउंट ऑफ परचेज परचेज रिटर्न कौन करिबो अमाउंट ऑफ परचेज लेट सपोज मु 5,00,000 टंकार जिनस किनी थी लक्षे टंकार जिनस फेरे देली ताहले मोर नेट परचेज केते हला ना सर 4,00,000। अरे बाबा बुझीला कि बुझीलानी यस ताहले परचेज रिटर्न रो जर्नल एंट्री सब पिला माने लिखिबे जर्नल एंट्री होउची परचेज रिटर्न होउची क्रेडिट बैलेंस टू परचेज रिटर्न अकाउंट
जदि आपणकर मने थिबो मु एटी तळे लेखे दउची जदि मु भेंडर थारो जिनस किणिले एंट्री कोन होतला ना सर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट बा क्रेडिटर अकाउंट जदि मु बाकी रे जिनस किणि थिबी ताहाले एंट्री कोन होबो ना सर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट जेतेबेले मु जिनस फेरई देबी ता माने परचेज रिटर्न क्रेडिट हि जीवो डेबिट रे कोन आसीबो सबु पिला कहिले सर बहुत सिंपल डेबिट रे आसीबो वेंडर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट दिस इज योर जर्नल एंट्री बीइंग गुड्स रिटर्न टू वेंडर बीइंग गुड्स रिटर्न टू वेंडर गुड्स रिटर्न टू वेंडर हबो यस तापर आउ गोटे आसुची सेल्स रिटर्न लेखि सरले यस सब पिला लेखि सरले बोली मोर विश्वास आउ गोटे आसुची सेल्स रिटर्न सर सेल्स रिटर्न माने कौन सर सेल्स रिटर्न माने कौन आमे एहा करि परिबा जदि बिक्री करा जायतिबा जिनिस आमुकु रिटर्न हला जदि बिक्री करा जायतिबा जिनिस आमुकु रिटर्न हला ताहले आमे ताको कहिबा सेल्स रिटर्न यस यू आर एब्सोल्युटली राइट सेल्स रिटर्न केस रे कौन हुए ना सर डेप्टर बा कस्टमर बिजनेस को जिनिस फेरेबे कारण आमे सेल करितिले रिटर्न टा कोठि के आसुची ना सर बिजनेस को आकु कुआ जाए रिटर्न इनवर्ड आकु कौन कुआ जाए ना सर रिटर्न इनवर्ड एवं रिटर्न इनवर्ड जदि हेला ताहले कौन सर आमे एया कहि परिबा मु कहली कौन ना सर आमे सेल करितिले लक्षे टंका आमको रिटर्न हो गला 20,000 ताहले आमर 80,000 हो जीवन नेट सेल मु कहली एब्सोल्युटली राइट ताहले कौन सर एहार माने एया मु कहली कौन ना सर सेल्स रिटर्न डिक्रीजेस सेल्स सेल्स रिटर्न कौन करिवो ना सेल रो अमाउंट को कमे दो सर जर्नल एंट्री कौन हो ना जर्नल एंट्री हबो सबु पिला माने बुझिबे जेते बेले मु डेप्टर को बाकी रे बिकी थीबी एंट्री कौन लिखि थीबी ना सर आपण हम को पढ़ी थिले डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट जदी डेप्टर मते फेरे दउची ताहले कौन हबो ना सर डेप्टर जदी आपण को फेरे दउची सबु पिला माने बुझिबे ताहले डेप्टर बैलेंस कमी गला मु डेप्टर को 500,000 टंका बैलेंस बिकी थिली जे डेप्टर थारु 500,000 टंका पाई थांती जेहेतु सी मते लक्ष टंका फेरे देला मु कहिबी डेप्टर थारु मु आउ केते पाइबी ना सर 400,000 पाइबी ताहले डेप्टर थारु मोर पाइबार थिला 500,000 लक्ष टंका मते फेरे देला मु कहिबी डेप्टर अकाउंट कमी गला डेप्टर होची डेबिट बैलेंस जदी कमी जीवो कोन होबो ना सर डेबिट कमीले क्रेडिट होबो एवं क्रेडिट को आमे टू ना रे लिखिता जदि सेल्स टा होची क्रेडिट बैलेंस ताहले सेल्स रिटर्न होबो कोनो ना सर डेबिट बैलेंस ताहले सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेब्टर अकाउंट दिस इज योर जर्नल एंट्री सर आउ थरे बुझांतु वेरी गुड मु जते बेले डेब्टर को बिकी थिली डेब्टर अकाउंट डेबिट हेतला त डेब्टर जते बेले मते फेरे दउची डेब्टर बैलेंस कमुची यस डेप्टर होची डेबिट बैलेंस कमिले हे जीवो क्रेडिट बैलेंस टू डेप्टर अकाउंट एवं सेल्स होची क्रेडिट बैलेंस सेल्स रिटर्न कौन हबो ना सर डेबिट बैलेंस सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड बीइंग गुड्स रिटर्न बाय डेप्टर बीइंग गुड्स रिटर्न बाय डेप्टर हबो अरे बाबा हबो कि ना यस सर हबो यस सर हबो यस सर हम सबु पिला माने फटाफट लेखि कि नै जिवे तापर हमें कोन करिबा ना करंट क्वेश्चन को कंटिन्यू करिबा क्वेश्चन कहूची रिटर्न ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर ता माने हमें क्रेडिटर को जिंस फेरै छे रिटर्न ऑफ गुड्स टू क्रेडिटर वाई 30,000 ताहले एंट्री कोन हबो ना सर वेंडर अकाउंट डेबिटेड वेंडर अकाउंट डेबिटेड एटि वेंडर ना होची y account debited to purchase return
और टू रिटर्न आउटवर्ड मध्य लिखा जाए, हालांकि तुम्हें परचेज रिटर्न लिख बीइंग गुड्स रिटर्न। सर अमाउंट रे केते लिखिबू, अमाउंट रे 30,000, बीइंग गुड्स रिटर्न अमाउंट हो जी केते ना सर 30,000 हबो। अरे बाबा हबो कि नहीं, ये सर हबो। नेक्स्ट कोचि रिटर्न इनवर्ड ऑफ गुड्स बाय 10,000, एबे एबे मु बुझे गया सिली रिटर्न इनवर्ड्स को हमें कौन कही था ना सेल्स रिटर्न बोली कही था। सेल्स रिटर्न रो एंट्री कौन हो जी ना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट। सर एटी डेप्टर रो नाम देनी, ताहले हमें एंट्री कौन लिखिबा ना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेप्टर अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न अमाउंट हो जी केते ना सर अमाउंट हो जी 10,000 बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न हबो। यस सर हबो। तापरे पेड सैलरी 5,000, पिला मानकर फेवरेट जर्नल एंट्री, जदि एक्सपेंसेस पेड हो जी एंट्री कौन हबो नेम ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। सब पिला माने नरेशन लिखुथिबे बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट जर्नल एंट्री जदि हमें देखिबा वेजेस ड्यू फॉर रुपीस 5,000, ओ माय गॉड किए कहिबो ड्यू माने कौन ना सर ड्यू माने होची आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग माने कौन ना सर आउटस्टैंडिंग माने दबाकु अछि। सर जदि दबाकु अछि आमे ताकु कौन कहू ना सर आमे ताकु लायबिलिटी कहू। सर ऑल लायबिलिटी गुड़ी को कौन ना सर ऑल लायबिलिटी गुड़ी को हले क्रेडिट बैलेंस। ताहले वेजेस ड्यू बा आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन है जीवे ना सर आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी ताहले से क्रेडिट है जीवे। ताहले एंट्री कौन हबो वेरी वेरी गुड, ऑल लायबिलिटीज गुड़ी को क्रेडिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। एंट्री कौन बुझे दिली नेम ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ताहले एटी एक्सपेंसेस रो ना किए ना सर वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर एंट्री केते हबो अमाउंट ना जेति की टंका अमर ड्यू अछि यानी 500 टंका। सर ए एंट्री टा को आउथरे बुझांतु, वेरी गुड क्वेश्चन, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। सर ए एंट्री टा को आउथरे बुझांतु, वेरी गुड क्वेश्चन। आउटस्टैंडिंग माने दबाकु अछि लिखि सरलो, यस सर लिखि सरलो। आउटस्टैंडिंग माने दबाकु अछि, ड्यू माने आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग माने दबाकु अछि, जहा दबाकु थाए आमे ताकु लायबिलिटी कहू, सबु लायबिलिटी गुड़िक होउछन्ति क्रेडिट बैलेंस। ताहले वेजेस ड्यू बा आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन लायबिलिटी, ताहले सी कौन हबो क्रेडिटेड हबो। डेबिट रे की आसीबो ना सर फॉर्मूला होउछि नेम ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट हबो। यस 10 नंबर जर्नल एंट्री होउछि इंटरेस्ट रुपीस 5,000 रिसीव्ड इन आडभांस, इंटरेस्ट रुपीज 5,000 रिसीव्ड इन आडभांस। सबु पिला कहिबे इंटरेस्ट रो माने कौन, इंटरेस्ट मु रिसीव करूछि ताहले इंटरेस्ट कौन। इंटरेस्ट इंटरेस्ट जदि मु रिसीव करूछि, इंटरेस्ट माने सुध, जदि मु रिसीव करूछि एहर माने होछि इनकम। जदि इंटरेस्ट मु पेड करूची एहर माने होची एक्सपेंसेस। जदि इंटरेस्ट मु रिसीव करूची ताहा होची इनकम, जदि इंटरेस्ट मु पे करूची ता होची एक्सपेंसेस। यस सर इनकम होची दी प्रकार, गोटी होची अक्रूड इनकम आउ गोटे होची रिसीव्ड इन एडवांस। अक्रूड इनकम आउ गोटे होची इनकम रिसीव्ड इन एडवांस,
रिसीव्ड इन आडवांस सब पिला मानकर मन थिबा दरकार सर अक्रूड इनकम माने कोन ना पाइबा कु अछि इनकम यन बट नॉट रिसीव्ड पाइबा कु अछि जदि दबा कु अछि होउछि लायबिलिटी ताले पाइबा कु जा अछि हमें ताकु कोन कहिबा ना सर असेट्स जदि असेट्स ऑल असेट गुडी को कोन ना सर डेबिटेड ताहले अक्रूड इनकम कौन हबो ना सर डेबिट हबो बुझियला ये सर बुझियला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस माने कौन ना सर आगो तुरा रिसीव करी छी आगो रु बा आगो तुरा रिसीव करी छी सबु पिला माने बुझिबे तमरो किछि इनकम पाइबा को हेनी तमे आगो तुरा रिसीव करी छो एहार माने कौन मने करो आमर ट्यूशन ड्यू होची 12,000 रुपीज तुम्हें मैंने पाठ पढ़ीन किंतु मत कौन कर देच आगो तुरा फी पेमेंट कर देच ट्यूशन फी होची मोपाई इनकम मु आगो तुरा रिसीव करी एहार माने कौन ना सर आपण जो पैसा आम ठारु एबे रिसीव कले से पैसा कौन करिवे ना आमर सिलेबस धीरे 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 सारे मुताहले कही परिबी जहाँ आडवांस ले रिसीव करिछि सर्विस आकार रे मते आपन को सुजीबा को अछि बा फेरेबा को अछि ये सर जदि मु आगरु रिसीव करिछि ताहले मते कोन करिवार अछि ना रिटर्न करिवार अछि से रिटर्न को फॉर्म रही पारे ना रिटर्न इन फॉर्म ऑफ सर्विस हे पारे और रिटर्न इन फॉर्म ऑफ गुड्स मते होइ पारे जदि मते फेरेबा को अछि रिटर्न करिबा को अछि ताहले मु ताकु कोन कहिबी ना सर लायबिलिटी कहिबी जदि मते फेरेबा को अछि ताहले मु कोन कहिबी ना सर लायबिलिटी कहिबी एवं सर आपण कहितिले ऑल लायबिलिटीज आर सीआर ताहले इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कोन हबो ना सर क्रेडिटेड हबो बुझियला ये सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कौन हबो ना सर क्रेडिटेड हबो ताहले सर आमे कौन लिखिबा एंट्री वेरी गुड आपण आके लेखंतु टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट ऊपर कौन आसीबो ना सर नेम ऑफ इनकम अकाउंट डेबिट नेम ऑफ इनकम अकाउंट डेबिट हबो हालांकि एटी नेम ऑफ इनकम अकाउंट डेबिट आमे जदि ताकु फुल आमर आंसर हिसाब रे लिखिबा एटी सर इनकम रो ना होची इंटरेस्ट अकाउंट ताहले इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट अमाउंट रे केते आसी जिवो 10,000 बिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हबो अरे बाबा हबो कि नहीं ये सर हबो ये सर हबो ये सर हबो तो आमे कौन करिबा ना मु एमती आज हालांकि आम टे स्लो रे आरंभ कले जेहेतु मु आज क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम पे तुम करौछि तो आज मु बेसी समय नेबिनी जल्दी जल्दी छाड़ी देबी तो नेक्स्ट क्लास रे मु कौन करिबी ना आपन को जहां आमे रेगुलर क्लास रे पढ़ीचे ताकु आमे प्रैक्टिस करिबा माइंड योर फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस सेशन आमर केते बेले आसीबो ना सिलेबस कंप्लीट हे सारिला पोरे एक्स्ट्रा क्लासेस रे आसीबो सर आम एक्स्ट्रा क्लासेस केमी करूँ एक्स्ट्रा क्लासेस आमर कौन कर दिया ना आम यूट्यूब चैनल रे आपन को दिया दिज्व और आमर रेगुलर क्लास परे सार सहित कनसल्ट करी आमर इंस्टीट्यूशन रे बा लोकेशन रे आपन ऑफलाइन रे रेकॉर्डेड क्लास माध्यम रे देखि पारिबे सर जदि आमर ए डाउट माने एथिरे डाउट रहिला क्वेश्चन आंसर सेशन रे डाउट रहिला माइंड योर फ्रेंड्स जोटी आपनकर डाउट रहइबो आपन से डाउट गुडी को इमीडिएटली नोट करिवे मते व्हाट्सएप हो मेसेज हो बा आमर यूट्यूब रो कमेंट बॉक्स रे हो मते फटाफट आपन डाउट पचेरिबे एवं डाउट को क्लारिफाई करबा दायित्व होची मोर तो ओवरऑल आपन जानि सारिबेनी द कॉमर्स एकेडमी बा वी बा पर्टिकुलरली माइसेल्फ केमिति आमर मेथड ऑफ टीचिंग रहिबो आमे क्लास रे कांसेप्ट पढ़िबा
कॉन्सेप्ट वाइज आम क्वेश्चन आंसर इल्यूस्ट्रेशन करवा बाकी जहाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रही आमे ताको कौन करवा ना एक्स्ट्रा क्लासेस रे कवर करवा ओके यस तो फिलहाल फ्रेंड्स आज पई एतिकी फुनी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे।